सो दोस्तों, इस टाइम हम लोग हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन में और अभी आपको डिफरेंस बताने वाले फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और थर्ड इकोनॉमी क्लास में क्या डिफरेंस है, पूरा डिटेल आपको बताने वाले। ये एक ब्लॉग नहीं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। ट्रेन ब्लॉग तो ऑलरेडी आएगा, बट हम लोग जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो ट्रेन नंबर है 12369 कुंभा एक्सप्रेस। इसका आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और नया को जो थर्ड इको जिसको बोलते हैं उसमें क्या डिफरेंस होने वाला है। चलो चल के दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं अभी हम लोग 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे अपना कुंभा एक्सप्रेस है वो आने वाली है, उसी में आज हम लोग सफ़र करने वाले। उसका ट्रेन ब्लॉग आएगा इसके बाद, तो ये वाला पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो ट्रेन आता है, फिर आपको जो है डिफरेंस बताते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं कुंभा एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास के, मतलब आप लोग बोल सकते हो कंपार्टमेंट में, और अभी आपको फर्स्ट क्लास के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट क्लास में क्या क्या रहता है। चलो अंदर चलते आपको दिखाते हैं। सो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के, यहाँ पे बोल सकते हो कंपार्टमेंट में, और यहाँ पर आपको दो तरह का कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, एक चार सीट वाला, एक दो सीट वाला। चार सीट वाला को बोलते हैं भाई केबिन, यहाँ पे इस तरह का आप लोग देख सकते हो चार सीट वाला, ये केबिन हो गया, दो यहाँ पर रहता है और दो यहाँ पर रहता है, और दो सीट वाला जिसको बोलते हैं भाई वो है कूपे। तो ये देख सकते हो ये दो सीट वाला है, ये कूपे है, और चार सीट वाला केबिन हो गया। देख सकते हो ये है फर्स्ट क्लास का कूपे, जहाँ पर आपको भाई दो तरह का यहाँ पर सीट मिलता है दो लोग के लिए। अगर आप लोग कपल सफ़र कर रहे हैं तो भाई आप लोग ये है इंडियन रेलवेज का, ये जो आप लोग कूपे ले सकते हो, जहाँ पर आपको प्राइवेट रूम की तरह मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आप लोग को डोर की भी सुविधा मिलती है, आप लोग इस तरह से क्लोज करके ये डोर को भाई आप लोग पूरा जो है वो क्लोज कर सकते हो, ठीक है, आपका पूरा एक प्रॉपर रूम हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्लास का कूपे, अब केबिन भी आप लोगों को दिखा देते भाई। अब चलते हैं आपको सेकंड क्लास दिखाते हैं। इस कुंभा एक्सप्रेस का काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी गर्मी है, तो फटाफट से आपको चल के दिखा रहे हैं। टाइम अभी हो चुका है इस ट्रेन का डिपार्ट के लिए, ये हो चुका है पूरा कूप। चलो अब चलते हैं सेकंड एसी में, आपको दिखा दिए दो कंपार्टमेंट यहाँ पर फर्स्ट एसी का, एक हो गया कूपे, एक हो गया केबिन, जहाँ पर टोटल कूपे में दो सीट आपको मिलता है और केबिन में जो है आपको चार सीट मिलता है, अभी दिखा दिए। और अभी चलते हैं फर्स्ट एसी का वॉशरूम में, ठीक है। ये देखो भाई, इस तरह का वॉशरूम आप लोग को मिल जाएगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन, और लाइट्स भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी नीट एंड क्लीन, ठीक है। ट्रेन अभी डिपार्ट भी होगा, तो फिलहाल जो आप लोग वॉशरूम देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पर हो गया इंडियन और यहाँ पर हो गया वेस्टर्न, ठीक है। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं इस कुंभा एक्सप्रेस के सेकंड क्लास कोच में, आप लोग देख सकते हो सेकंड क्लास में दो तरह का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साइड लोअर और यहाँ पे मिडिल, और इस तरह पे लोअर मिडिल, और यहाँ पे तो जैसे साइड लोअर साइड अपर तो रहता ही है, वैसे सेम ही है। ट्रेन ऑलमोस्ट जो है वो पूरा फुल है, और अभी जो है सब केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। सीट आप लोग देख ही सकते हो, और यहाँ पर इस तरह से बॉटल होल्डर मिल जाएगा, चार बॉटल रखने के लिए चार लोगों के लिए। ये हो गया इस ट्रेन का सेकंड क्लास। तो सेकंड एसी में जैसे नॉर्मल ट्रेन का सारा जो सेकंड एसी रहता है, वैसे इस ट्रेन का भी जो सेकंड एसी वैसे ही है। अभी इस ट्रेन पूरा प्रॉपर फुल है, मतलब फटाफट से आपको दिखा रहे हैं। टाइम भी अभी ज़्यादा बचा नहीं है, जस्ट 10 मिनट अभी है यहाँ से ट्रेन को डिपार्ट होने में, इसलिए फटाफट से आपको सारा चीज़ अभी दिखा रहे हैं। सेकंड एसी अब दिखा लिए, और सेकंड एसी का वॉशरूम चल के आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये सेकंड एसी का वॉशरूम, और इस तरह से भाई आपको यहाँ पे टैप मिल जाएगा वाटर, ठीक है, लिक्विड सोप यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे डस्टबिन मिल जाएगा, और यहाँ पर भी एक डस्टबिन मिल जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर सेकंड एसी का ये वॉशरूम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो स्लाइडिंग डोर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आपको टैप मिल जाएगा, ठीक है, लिक्विड सोप डिस्पेंसर मिल जाएगा, और यहाँ पर इंडियन स्टाइल वॉशरूम इस तरफ है, और इस तरफ जो है सेम, अच्छा यहाँ पे दोनों ही इंडियन स्टाइल वॉशरूम आपको मिल जाएगा। टैप में यहाँ पे पानी है, और बाहर में यहाँ पर लिक्विड सोप है, ठीक है। अभी लेके चलते हैं इस ट्रेन के थर्ड एसी कोच में। सो ये देख सकते हो, ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इस ट्रेन के एसी थ्री टायर में, इसको थर्ड एसी भी बोला जाता है। चलो अंदर चल के आपको दिखाते हैं एसी थ्री टायर कोच कैसा है इस ट्रेन का। ऑलराइट, सो एसी एकदम काफ़ी चिल्ड है यहाँ पर, और चल के भाई यहाँ पर आप लोग देखो पूरा ही एसी थ्री टायर जो है पूरा फुल है, ये देखो, ठीक है, पूरा पैक्ड है। सो नॉर्मली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपको साइड यहाँ पर लोअर मिडिल अपर यहाँ पे मिलता है, तीन सीट यहाँ पे और तीन सीट यहाँ पर, और नॉर्मल जो है साइड लोअर साइड अपर, पूरा ट्रेन है वो फुल्ली पैक्ड है, तो ज़्यादा अच्छा तरह से आपको दिखा नहीं पा रहे, बट यहाँ से आप लोग देख ही लो, ठीक है, पूरा फुल्ली पैक्ड है। अब चलते हैं अपने कोच में, अपना जो कोच है वो है M2 कोच। चलो चलते हैं अपने कोच में। एसी थ्री टायर के वॉशरूम में आपको भी दिखा देते कितना नीट एंड क्लीन है, क्योंकि अभी ट्रेन जो है वो डिपार्ट हुआ नहीं है, लगभग आप लोग बोल सकते 12:55 हो गया यहाँ से इसका डिपार्चर है 1 बजे। चल के आपको लेके चलते हैं इस थर्ड एसी के वॉशरूम में। ये देखो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर टैप मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भाई काफ़ी बढ़िया बनाया, वहाँ पे प्लास्टिक था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टील का यहाँ पर टैप दिया गया, और पानी तो अभी आ रहा है, लिक्विड सोप तो अभी दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पर, बट यहाँ पर इस तरह से देखो फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पर जो है डस्टबिन भी आपको मिल जाएगा। चलो वॉशरूम यहाँ पर दो यहाँ पर मिल जाएगा, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल, यहाँ पर देख सकते हो ये भाई वेस्टर्न स्टाइल, ठीक है,
और यहाँ पे भी टैप में जो है पानी आ रहा है, और यहाँ पर लिक्विड सोप भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इंडियन स्टाइल वाला, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये है भाई, यह है थर्ड एसी के इंडियन स्टाइल वॉशरूम, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन। नया ही कोच अभी बनाया गया है, और इस ये पहले ICF कोच था, बाद में इसको जो है LHB कोच में कन्वर्ट कर दिया गया। सामने देख सकते हो टैप में पानी है, लिक्विड सोप है, और यह इंडियन स्टाइल। अब चलते हैं अपने कोच में, जो है थर्ड ई कोच, जो कि थर्ड इकोनॉमी क्लास भी इसको बोलते हैं। तो ये देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं EC3 इकोनॉमी, आप लोग देख सकते हो थर्ड क्लास इकोनॉमी क्लास भी जिसको बोलते हैं, और इसी में आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अपना जो कोच है वो है M2, ये है M1 कोच। चलो चल के आपको दिखाते हैं कैसा है थर्ड इकोनॉमी क्लास। सो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं 3 इकोनॉमी क्लास, जिसको 3E कोच भी बोलते हैं ट्रेन में, और कुछ इस तरह से भाई 3E कोच है, पूरा फुल्ली पैक्ड है। और नीचे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 3E कोच कैसा होता है। नीचे में आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये लाइट्स आपको दिया गया है, साइड लोअर साइड अपर सीट आप लोग देख सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल। उतना तो कंफर्टेबल नहीं होता है थर्ड एसी से, बट तब भी ठीक है। अगर आपको एसी का मज़ा लेना है वो भी कम फेयर में ना, तो आप लोग बुक कर सकते हुए थर्ड ई कोच थर्ड इकोनॉमी क्लास। देखो इस तरह से भाई लोअर मिडिल अपर मिलता है, और इस तरह से भी आपको यहाँ पर लोअर मिडिल अपर मिल जाएगा। ठीक है, और सारा चीज़ जो है एसी इवेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखो इस तरह से आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और सीट में यहाँ पर इस तरह से आपको जो है एसी वेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इमरजेंसी के लिए वहाँ पर आपको चेन पुलिंग भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई अंकल भी सफ़र करें, कहाँ तक अंकल? हरिद्वार। ये देखो भाई यहाँ पर आपको मिरर भी मिल जाएगा। ठीक है, चार्जिंग हर सीट पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, रीडिंग लैम्प भी मिल जाएगा। ओके चलो, ये है थर्ड ई कोच। तो अभी अपना जो है M2 कोच दिखा दिया, और अभी आ चुके हैं अपने M2 कोच के वॉशरूम में, और वॉशरूम कंडीशन जो आप लोग देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अभी जस्ट ट्रेन निकले ही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपको टैप में पानी मिल जाएगा। यहाँ से प्रेस करोगे तो ये देखो भाई यहाँ पे टैप में पानी मिलता है, लिक्विड आपको सोप भी मिल जाएगा यहाँ पर। और ये है इंडियन स्टाइल वॉशरूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एयरबिक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इमरजेंसी पुश बटन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, अच्छा ये फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं वॉशरूम के अंदर जो है इमरजेंसी पुश बटन। अगर बाई चांस अगर आप लोग फंस जाते हो अंदर में, तो ये आप लोग को प्रेस करोगे जैसे, ठीक है, तो इमरजेंसी पुश बटन पता चल जाएगा ड्राइवर को कि आप जो है यहाँ पर जो है इमरजेंसी में। ठीक है, यहाँ पर ये फ्लश के लिए है ये बटन, और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से हैंड शावर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। भाई देखो फर्स्ट टाइम हम देखें इतना नीट एंड क्लीन इसी वॉशरूम में। ये थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का ये वॉशरूम। ऑल राइट दोस्तों, सो अभी आप लोगों को बता दिए डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी और थर्ड ई कोच इन ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो देख लेना आप लोग किस में आप लोग प्रेफर करना चाहते हो। पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए कि फर्स्ट एसी कैसा होता है, फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट कैसा होता है। उसमें दो कंपार्टमेंट होता है, एक हो गया केबिन हो गया, एक कूपे हो गया। ठीक है, और अगर आप लोग दो लोग सफ़र कर रहे हो, जैसे अगर आप लोग कोई फैमिली हो, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, कपल हो, तो मोस्टली आपको जो है कूपे मिलेगा, 90% चांसेस है। तो चलो आपको बता देते हैं, अगर आप लोग हावड़ा से हरिद्वार तक का सफ़र कर रहे हो और फर्स्ट एसी का कितना फेयर है वो आपको बता दें। फर्स्ट एसी का जो फेयर है वो है 4230। ठीक है, 4230 रुपया केबिन का भी है, कूप का भी, दोनों सेम है। ठीक है, आप लोग जो बुक करोगे वो केबिन के लिए बुक करोगे। अगर आप लोग कपल हो तो भाई आपको जो अपग्रेड कर दिया जाएगा कूपे में। अगर आप लोग सेकंड एसी में सफ़र कर रहे हो तो सेकंड एसी का जो फेयर है वो है 2490, थर्ड एसी का जो फेयर है वो है 1735, और थर्ड ई को जिसमें आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं वो है 1635। तो अभी आपको पूरा डिटेल बता दिया। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।